एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बेलारी में स्थित फैजल्लापुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। लगभग 3,500 की आबादी व 1,100 वोटरों द्वारा जय हिंद को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 420 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगाए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, 6 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 5 खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 65 इज्जत घरों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, शमशान घाट, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्कूल का गेट, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। सब रास्ता पहले कच्चा था और ये हमारे नए प्रधान जी ने मनवाया है कि फैजलोपुर ग्राम पंचायत। हमारे गांव का जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं उसमें काफ़ी कीचड़ थी और गंदगी बहुत थी। अब हमारे गांव के लोग बहुत सुगाल में और हमारे प्रधान जी की कृपा से इनके कारोबार से देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे आगे भी गाँव में हमारे यही प्रधान बहुत हमें अच्छे लगेंगे। मैं स्थायी निवासी हूँ ग्राम फैजुल्लापुर का। यहाँ पे दो गांव लगते हैं, गंदुपुरा फैजुल्लापुर। मैं जो कार्य कराए हैं वो पूर्ण रूप से पैसे की जो आवश्यकता है वो कम आ रहा है। केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील है कि जो रुके हुए काम हैं उनके लिए पैसा भेजा जाए और जो कार्य रुके हुए हैं वो आगे को कराए जाएँ। और हमने तमाम सड़कें, सीसी, खरंजा, मंदिर पर मिट्टी भराव, शौचालय बनवा दिए हैं और 8 आवास गरीब लोगों को बनवा दिए हैं। 25 आवासों की और गरीब लोगों को ज़रूरत है जो कि परेशान हैं और उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, रहने को बहुत परेशान हैं, टूटी फूटी मड़ैयाँ हैं, अपने गुजारा पन्नी डाल के कर रहे हैं। बरसात के मौसम में कैसे अपना टाइम काटेंगे, उनके बच्चे भी परेशान हैं। आवास की बहुत आवश्यकता है और हमारे यहाँ ग्राम गंदुपुरा में कोई सफाई कर्मी 2 साल से नहीं है। मैंने अवगत DPRO संभल को भी अवगत करा दिया है, BDO साहब को भी अवगत करा दिया है और CDO को भी अवगत करा दिया है। लिखित रूप में उसकी फोटोस्टेट मेरे पास है जो मैंने कि उसका प्रार्थना पत्र BDO संभल को, CDO साहब संभल को दिया है और DPRO संभल को दिया है। आज तक कोई सफाई कर्मी हमारे यहाँ तैनात नहीं हुआ है। हमारे गांव में बहुत गंदगी है, दोनों बिरादरों के लोग परेशान हैं गंदगी के चक्कर में। सब नाली भरी पड़ी हुई हैं, उसमें बीमारी का लक्ष है, तमाम मच्छर, मक्खी, कीड़े, तमाम तरीके के पीड़ित बवाल हैं और उससे बीमारी होने का खतरा है गाँव में।